अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज आपको जी सैर करवाएंगे थोड़ी सी मस्कत की, और देखते जाइए मस्कत की गलियां सुबह सुबह क्या सूरत हाल होती है रोड के ऊपर। और बाकी आहो ऐनों को मैंने एसी के ऊपर लगाया हुआ था, वो सारी आहो ह्यूमिडिटी से। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या कहने लगा था मैं, वो है दरबार। दरबार से हम निकल चुके हैं और अभी हम जाएंगे क्या कहते हैं अपने मकतब। तो पहले परां कर लेने, और वीडियो हम आज 4K में बना रहे हैं। देखते हैं कि इस हथियार का 4K पर कैसा रिजल्ट है और बैटरी बैकअप। अब जब भी कोई कैमरा लेते हैं ना, तो उसमें मेन चीज़ होती है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, वीडियो पिक्चर की। और दूसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है बैटरी। तो बैटरी जो है ना, वो कोई भी कैमरा हो उसका एटलीस्ट 1 घंटा बैकअप होना चाहिए कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पर। अगर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग पर 1 घंटा बैकअप दे रही है बैटरी आपको, इट मीन कि आप आसानी से 60-70 मिनट इवन के कंटिन्यूस भी और टुकड़ों में भी रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। देर होगी पहचान, वो पाकिस्तानी भाई खड़े थे, उन्होंने बाद में पहचाना। वीडियो में क्योंकि फिल्टर शिल्टर अच्छे लगे होते हैं, हम वो डिफॉल्ट ही लगाते हैं, लेकिन हकीकत में वो आहो इतना यानी चांद नहीं है हम। तो ये है जी अल मशहूर गोबरा, सामने एवनी मॉल है, आईकिया बना है अभी। आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये मस्कत का डाउनटाउन है। अभी जो एग्जिस्टिंग है ये डाउनटाउन, ये एरिया यहाँ से शुरू होता है और ये अगला ब्रिज जो आएगा यहाँ से जो है ना, एक तरफ पूरी कमर्शियल रेजिडेंशियल, बड़े बड़े ऑफिस, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, होटल वगैरह, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज। ये सामने आपको जो है ना वो ब्रिज नजर आएगा, कंस्ट्रक्शन जो है ओमान में, जब से ओमान बना है डेवलपमेंट बंद नहीं हुई। हर आने वाले दिन के साथ जो है वो डेवलपमेंट मजीद से मजीद होती जा रही है, यानी बड़ी स्पीड के साथ जो है ओमान तरक्की की राहों पर गामजन है। तो ये है जी, ये राइट हैंड पे तो आप पूरा देख सकते हैं, दाएं तरफ ये सारी यानी कमर्शियल हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, रेस्टोरेंट, होटल, ये वो सब कुछ ऑल टुगेदर है। और लेफ्ट हैंड पे अगर आपकी नज़र दूर तक जाए, एंगल तो है, वो सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इसलिए वो जगह बहुत खुली डुली है। गवर्नमेंट की जो है ना वो सारी वजारतें जो हैं वो हैं। तो सुबह सुबह जो है ना ओमान में 7 बजे से 9 बजे तक तो डैम ट्रैफिक होती है, और दोपहर को भी 2-12 से लेकर 3 बजे तक, फिर शाम को 5-7, यानी जो पीक आवर्स होते हैं ना ऑफिस जाने के, ऑफिस से वापसी के, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, खासकर वापसी पे, क्योंकि सुबह तो सभी लोग एक वक्त पे नहीं निकलते घर पे, ना ही सबकी एक जैसी टाइमिंग होती है। दोपहर में जो है ना वो एकदम फिर यानी लोगों ने निकलना है ऑफिस से, जब छुट्टी का टाइम होता है तो फिर जो है ना हर किसी को होता है कि टाइम पर ही निकलो। तो ये सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह खैर आने वाले दिनों में जो है ना प्रॉपर व्लॉगिंग, मतलब अच्छी अच्छी साइट्स पर जाएंगे और बेहतरीन
व्लॉग बना के वो भी शेयर करेंगे आपसे, और ईसा भी आ जाएगा तो ईसा की शरारतें जो हैं वो भी तो फिर देखने वाली होंगी। और ईसा पहले से बहुत ज़्यादा शरारती हो चुका है। अभी आप जितनी भी ईसा की वीडियोस देखते हैं या आने वाली जो मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, ये सारी एक साल पुरानी है। पिछले 8-10 महीने से जो ना ईसा की कोई नई वीडियो नहीं आई। तो सिग्नल पर रुकना पड़े हैं हमें, और यहाँ ट्रैफिक का भैया बहुत मस्ती है ना। आप अगर कोई गाड़ी भी नहीं है ना दूसरी तरफ से गुजर रही और सिग्नल बंद है तो आपने खड़े ही रहना है, आप कुछ नहीं कर सकते, अपने रूल्स को यानी फॉलो करना ही करना है और हर हाल में करना है। नहीं करेंगे तो सजाएं इतनी हैं, और ये नहीं है कि बंदा बच जाता है। यहाँ मीन तरला ये वो नहीं चलता, सिफारिशें नहीं चलती। ट्रैफिक वायलेशन और दीगर जो है वो तो आपको 100% करना पड़ता है। और सिग्नल अगर ब्रेक करते हैं तो 3 दिन जेल में रहना होता है, वो आप कोई भी 3 दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। और 50 ओमानी रियाल यानी आजकल तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी रुपया जो है वो फाइन है सिग्नल तोड़ने पर। अगर रेड सिग्नल में आपने क्रॉस किया तो ये जुर्माना है, और ओवर स्पीड का मिनिमम जुर्माना फाइन जो है वो है जी 6,000 पाकिस्तानी रुपया। ये बाकी गल्फ से बहुत कम है, यूए में भी बहुत ज़्यादा होता है, कतर में तो बहुत ही ज़्यादा है। स्पीड जो है ना उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, जिस तरह नफस को काबू रखना ज़रूरी है उसी तरह स्पीड को भी काबू रखना ज़रूरी है, वरना नुकसान बंदे का ही होता है। और गाड़ियों की एज जो है यहाँ पर 10 साल है, 10 साल नई गाड़ी जो है वो शोरूम से निकलने के बाद 10 साल तक जो है उसकी गारंटी होती है। और 10 साल के बाद क्या है कि फिर आपने गवर्नमेंट के सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर गाड़ी लेके जानी है और उसकी चेकअप हर साल यानी आपने उसकी चेकिंग करवानी है। वो पास करेंगे गाड़ी को तो जो है आपका लाइसेंस इश्यू होगा, और यहाँ पर 1 साल का लाइसेंस होता है ओमान में गाड़ी का। 1 साल हर साल के बाद आपको जो है मुल्किया बोलते हैं कार्ड को, जिस तरह पाकिस्तान में कॉपी होती है लाइसेंस गाड़ी की जो बुक है कॉपी उसको बोलते हैं, यहाँ पर मुल्किया कार्ड होता है, जिस तरह हमारा आईडी कार्ड है लेबर कार्ड है उस तरह कार्ड होता है लाइसेंस, वो हर साल रीन्यू करवाना पड़ता है। और इंश्योरेंस लाजमी है, इंश्योरेंस के बगैर आपकी गाड़ी जो है ना उसका लाइसेंस रीन्यू नहीं होगा। और इन केस अगर आप से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का लाइसेंस या इंश्योरेंस नहीं है तो आपके वो भाई 302 ही लगता है इधर भी, और अगर ड्राइवर नहीं है आप तो भी यही लगता है। ये कानून ऑलमोस्ट बहुत सारे मुल्कों में सेम है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपने किसी बंदे को नीचे दे दिया गाड़ी के या कोशिश की तो वो 302 का केस ही होता है। तो 10 साल के बाद जो है वो हर साल फिर आपको गाड़ी चेक करवाना होगी, पासिंग के बाद ही आपका जो है ना वो गाड़ी का लाइसेंस बनेगा। और लाइसेंस की फ़ीस जो है मिनिमम डिपेंड करता है, मिनिमम 12-14 रियाल से शुरू होती है, डिपेंड करता है गाड़ी के इंजन पर कितने सीसी है। और सीसी का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इवन के बहुत पढ़े लिखे को नहीं पता सीसी किसको बोलते हैं। तो पहले आप गूगल कर लें और अभी हम बता ही देते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर जो इंजन की कैपेसिटी होती है ना उसको बोलते हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। 1000 सीसी, 1500 सीसी, ये वो। और इसके बाद आती है जो चीज़ नोट करने वाली, वो होती है अल्लाह आपका भला करे सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, ये वो। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑफिस है, यहाँ हम आज रुकेंगे अभी, और बाकी फिर मुलाकात जो है ना वो अगली वीडियोस में होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। जज़ाकअल्लाह।